अभी देखो अभी क्या है ना, अभी एक मेरा एक छोटा सा एक पोपट हो गया। मुझे लगा कि छठ आज है ना, मतलब इतनी सारी प्रिपरेशन हो रही थी ना वहाँ पर, मैंने देखा तो मुझे लगा कि छठ आज है छठ, लेकिन आज रात में है छठ। रात से स्टार्ट होगा छठ और कल सवेरे तक मतलब खत्म होगा। लेकिन आज ना भाई इतना पोपट हुआ ना यार, ना मैं जब यहाँ पर जब घुसा, क्या कोई ठंडे की वजह से नहीं आ रहा है क्या? इतना कोहरा दिख रहा है तो इस वजह से कोई नहीं आ रहा है? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि आज जो है आज सवेरे का आज कुछ भी नहीं है, कि आज रात का आज प्रोग्राम है। मतलब रात में आप बहुत सारे लोग आएंगे और रात में आने के बाद ना फिर वो लोग रात भर बैठेंगे। अगर कोई रात में नहीं बैठता है तो वो भोर में आएगा, एकदम सवेरे 3-4 बजे। आज रात में ही हम आपको भीड़ यहाँ की दिखाएंगे कि इतनी बम्पर भीड़ होती है। तो अभी क्या है ना, अभी हम लोग इस तरफ कुछ ज्यादा ही इस तरफ आ गए, मतलब ये सामने ऊपर जो मेरे देख रहे हो ना पोले ऊपर वाला, और भाई साहब यहाँ की जो मिट्टी है वो पाट दी गई है और वो देखो उधर क्या है। लेकिन उस तरफ ना बत्तख उस तरफ बहुत सारी टहल रही है, मतलब टहल कर रही है, तैर रही है बत्तख। और इधर शिव जी की यहाँ पर बड़ी सी मूर्ति है, मतलब मूर्ति तो नहीं है लेकिन स्टैचू है। इतने बड़े शिव जी है यार, वाइड एंगल में इतना समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बहुत बड़े है। तुम लोग वहां से नहीं दिखा रहे थे एक बार कि वहां पर जिराफ है, उसके आगे जस्ट अगर इधर आओ यहाँ पर लक्ष्मण जी की यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है। अगर पर बादल होते ना भाई, अगर टाइम लैप्स अगर लेता भाई एकदम तो मजा आ जाता है ऐसा टाइम लैप्स लेने में। ओके सो तो देखो अभी क्या है, ये क्या है अभी कीड़ा। ओके सो तो अभी देखो क्या है, आज सवेरे जो हो गया आज पोपट हो गया। मुझे लगा आज वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे लेकिन वहाँ पर कोई इतना था नहीं। वहाँ पर जहाँ पर छठ की जहाँ पर पूजा हो रही थी वहाँ पर हम लोग आएंगे रात में, तो आज रात में तो भीड़ कन्फर्म दिखेगी, पक्का दिखेगी। वहाँ पर ना इतनी लाइट है लेकिन उसके बाद भी भाई कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है, पता नहीं कैमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा दिखा रहा है। यहाँ पर हम लोग फिर से आ गए, इस समय रात हो चुकी है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अभी चल रहे वहाँ पर देखने की भाई साहब, मतलब क्या लगता है यहाँ का छठ। ओके सो जो यहाँ पर जो स्टेज लगा हुआ है ना, पता नहीं है तुम लोगों को आवाज आ रही है नहीं आ रही है। पीछे यहाँ पर योगी जी आए हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर और भी लोग हैं, लेकिन यहाँ से उतना समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पर ना इतना जाने उतना दिया नहीं जा रहा है, रोड के उस पार नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर पुलिस है, बहुत सारे पब्लिक है यहाँ पर, सब लोग इसी पार खड़े, नहीं तो बहुत कम ही लोग हैं जो वहाँ पर स्टेज के पास जो खड़े हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अब सीएम अब आए हैं यहाँ पर, सीएम आए हैं तो सिक्योरिटी तो रखनी पड़ेगी ना, इसीलिए बहुत सारे यहाँ पर पुलिस वाले हैं। तो उस तरफ देखो ना वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि अभी तो सब कुछ बंद है, इधर उधर जाने का अलाउड ही नहीं है अभी। तो जैसे तैसे करके हम लोग ना इस पार हम लोग आ रहे हैं, वो तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग कितना समय दूर है स्टेज से। और अगर एकदम अगर पास अगर चले गए तब तो भाई एकदम बात ही अलग है, तब एकदम भी बगल में तब जाके खड़े हो जाएंगे योगी जी के। वैसा अगर होने लगा ना भाई साहब, सबसे पहले हम ही धरे जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री स्वाभाविक रूप से इस आयोजन के साथ जुड़ने का अपना एक अलग आनंद है। इस रूप में ये केवल व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न नहीं है, प्रकृति और परमात्मा से जुड़ने का भी एक माध्यम हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। सारे लोग योगी जी को वहाँ पर बाय बाय करने जा रहे हैं, मतलब उधर से निकल गए ना योगी जी। कितने सारे लोग आए थे, मुझे घंटा कोई आइडिया नहीं तुम लोगों को कितनी आवाज आएगी कितनी नहीं आएगी, लेकिन मैं चिल्लाने की मैं कोशिश करके बोल रहा हूँ। यहाँ पर ना इतने सारे लोग हैं भाई, अरे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर शांति है, यहाँ पर थोड़ा सही लग रहा है ना। नहीं तो उस तरह तो बहुत सारे वहाँ पर लोग थे ना, जो मेला जो लगा है ना, जो मैंने जो तुम लोग को बताया था, मतलब काइंड ऑफ यहाँ पर स्टॉल बहुत सारे लगते हैं, वो उस तरफ लगा है। मैं तुम लोगों को चुपचाप मैं बी रोल में दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। यहाँ पर ना सब मेले वाला सब पूरा मामला है, जो मामला जो मेले में था वही सब कुछ यहाँ पर भी है। यहाँ पर 3-4 यहाँ पर टिक्की वाले हैं, भेलपुरी वाले हैं, पता नहीं लाई चूड़ा क्या क्या दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे खिलौने, मतलब वो जो टिपिकल जो मेले वाला जो होता है ना, यहाँ पे पूरा वही है। ऐसे है की टिक्की एक मेरे लिए बना दो, बना रहे हो? हम यहाँ पे बेसिकली हम टिक्की लिए है, टिक्की हम यहाँ पे खा रहे हैं, तो इतनी सी टिक्की यहाँ वो दे रहे हैं 20 रुपए की। हाँ तो एक हाथ में कैमरा है एक हाथ में टिक्की, तो कहाँ से ऐसे आप लोगों को बता पाएंगे खा के। लेकिन देखो तो मिर्चा बहुत सारा डाला हुआ है, लेकिन अब खाने तो पड़ेगी भाई, अब पैसा खर्च कर चुके हैं तो। है
ना अभी देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है एकदम पूरे भयंकर वाले एकदम पूजा पाठ हुई है यहाँ पर। सुशोभित मंडप ये जो बना हुआ है ना, एक एक पे भाई साहब फूलमाला चढ़ी हुई है, एक एक की पूजा हुई है वहाँ पर ना। वहाँ पर केले का पेड़ वहाँ पर लगाया गया है। हर सुशोभित मंडप पे मतलब अलग अलग तरीके की रीतियाँ देखेंगे। कल होगा ना सुबेरे सुबेरे इतनी भयंकर यहाँ पर भीड़ होगी ना भाई साहब, खड़े होने की जगह नहीं होगी। आज क्या हुआ था ना, आज थोड़ा सा आज हम लोगों को लेट हो गया था और थोड़ा सा लेट होने की वजह से मतलब उधर ही हम लोग आके योगी जी को ही देखने लगे थे, इधर हम लोग आ ही नहीं पाए थे, है ना। इतनी सारी यहाँ पर भीड़ थी ना, इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े थे। लोग ना यहाँ पर बेसिकली खड़े थे, इस वाली जगह पे खड़े थे लोग। कल सवेरे जब हम लोग जब आएंगे ना, वो देखने वाला होगा भाई साहब कि कल सवेरे कितना कितने सारे लोग आते हैं यहाँ पर। ओके सो तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे लोग जो अपने घर जाए। भैया बहुत बहुत शुक्रिया बंद करने के लिए, मतलब यहाँ पर ना बहुत सारे लोग अभी जा चुके हैं। मैं ना यहाँ पर कल सवेरे आऊँगा और कल सवेरे आने के बाद ना मतलब आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर जो असली जो भीड़ होती है, असली भीड़ यहाँ पर कैसी होती है ना, भयंकर वाली एकदम भीड़ होती है यहाँ पर। तो चलो अभी रात अभी हो गई है, मैं भी अभी निकलता हूँ घर। इस समय 8:30 से समय ऊपर हो रहा है, मैं भी घर निकलता हूँ। घर निकल के फिर हम लोग फिर कल सवेरे आएंगे, ये आखिरी वाले में भाई मतलब एकदम बम्पर भीड़ होगी, है ना। और सवेरे सवेरे 6 बजे के लगभग हम लोग आएंगे। चलो अभी हम निकलते हैं घर, और यहाँ पर हमें ब्लॉग करने नहीं देंगे, तो हम निकलते हैं। चलो भाई।